नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर पुलिस ने लूट की घटना को 4 घंटों में सुलझाया। 2 लुटेरों को लूट की 1,60,000 रुपयों की नकदी सहित किया काबू। सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 9,33,000 रुपयों की नकदी की बरामद। विच परिवार के जठेरों का मेला गांव तलवन नूर महल रोड में हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रसिद्ध पंजाबी गायक हरभजन मान ने लगाई हाजिरी। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर पुलिस ने एक लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी फिरोजपुर सौम्य मिश्रा ने बताया कि शहर के मुल्तानी गेट के इलाके में ये लोग एक लड़की से उसका बैग छीनकर फरार हो गए थे, जिसमें 1,60,000 रुपए कैश था, जो कि लड़की के माँ बाप बैंक से निकलवा कर लाए थे। और जब परिवार मुल्तानी गेट में एक कपड़े की दुकान पर था तो ये लुटेरे उनके पीछे लगे हुए थे, जिसके बाद ये दोनों लुटेरे लड़की से उसका बैग छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसका बैग छीनकर फरार हो गए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाके लगवा दिए और सीसीटीवी फुटेज को कंगाला, जिसके बाद शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि ये लोग बैंक से ही उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही लड़की के माँ बाप ने उनको कैश दिया, उसके साथ ही ये लोग इससे छीन कर फरार हो गए। इन दोनों पर पहले से ही 3-3 मामले दर्ज हैं। गौरतलब रहे कि पुलिस ने ये मामला लूट की घटना होने के बाद मात्र 4 घंटों में ही सुलझा दिया, जो कि पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज फिरोजपुर सिटी दे अंदर सानू भी खबर मिली सी कि एक कुड़ी से उसका पर्स स्नैच किया गया है और पर्स दे विच 1,60,000 रुपए है। और बहुत ही स्विफ्ट एक्शन दिखाते हुए सिटी फिरोजपुर थाने ने डिप्टी एसपी सिटी सुखविंदर सिंह जी के अंदर बहुत बढ़िया एक्शन किया और विद इन 4 आवर्स चोरी डिटेक्ट भी की, बंदों नू ट्रेस भी किया और पूरे पूरे जिहड़ी भी रिकवरी है वह भी फुली की। तो इस दौरान जिवें जैसे ही सानू खबर मिली, साडी पुलिस उत्ते इमीजिएटली पहुंची। उन्होंने वहां दे सीसीटीवी कैमरे चेक की और पूरी स्टोरी अनकवर की। उस तो पता ये चला कि जेड़े ये दोषी ने ए उसदे जेड़ी कुड़ी सीगी उसदे माँ प्यो ने बैंक तो ये पैसे निकाले सीगे। पैसे कढ़ने तो बाद ए ने माँ प्यो ने अपनी कुड़ी नू ये पैसे दिते सीगे। जेड़े साडे अक्यूज्ड है वो इन्हां दा बैंक दे भी रेकी कर रहे सीगे, इन्हां नू कंटीन्यूअस फॉलो अप करते रहे और जिवें ही उन्हें मौका मिलिया उन्होंने कुड़ी दा पर्स स्नैच कर लिता। सानू जब खबर मिली उस तो बाद असी पूरे शहर दी सिटी सीलिंग कीती ते नाल नाल ते पूरे फिरोजपुर से जिन्ने भी एग्जिट रूट्स है हर पीएस दे अंदर वो भी लगाए गए। जेड़ी एक पूरी टीम बनाई गई एसएचओ सिटी, एसएचओ आरएफ के, एसएचओ मल्ला वाला, और इन तीनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। कैमरे भी चेक किए ते पूरे बैकवर्ड ते फॉरवर्ड लिंकेजेस चेक किए और जेड़े डिस्क्रिप्शन सानू मिले उस तरह दी जेड़ी भी मोटरसाइकिल्स और बाइक्स थी वो सारी चेक कीती गई और इन बंदों नू फड़िया गया। जेड़े 2 दोषी हैं उनमें से एक लवप्रीत सिंह है जिहड़ी जिसकी उम्र 23 साल है, उस पर पुराने 3 पर्चे दर्ज ने। दूजा जिहड़ा दोषी है गुलशन, उसकी उम्र 27 साल है और पुराने 6 पर्चे दर्ज ने। एमएम किदा पता लग्या जी और किन्ने पैसे हैगे सीगे जिहड़े बैंक? जिहड़ा बैंक है वो SBS बैंक है और ये दोषी का पूरा डिस्क्रिप्शन असी पूरे सीसीटीवी जिवें मैंने तुहानू कहा SHO सिटी ते SHO मल्ला वाला ने बहुत वधिया काम किया, इन्हां दी जिहड़ी टीम का गठन किया गया, सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए, बैकवर्ड ते फॉरवर्ड लिंकेजेस भी चेक किए और पूरे शहर दी ते पूरे डिस्ट्रिक्ट दी भी सीलिंग की और ये सारा विद इन 2 आवर्स किया गया जी। हाँ जी, जिहड़ा हुण तक पता चला है बैंक दे अंदर बैठ के रेकी कर रहे सीगे और उस तो बाद जब इन्होंने देखा कि ये जिहड़े दोनों बुजुर्ग है इन्होंने पैसे निकाले तो इन्होंने इन्हों टारगेट करते हुए इन्हों का पूरा पूरा पीछा किया जी। पहले भी बैंक ने टारगेट कर दिया, ठीक है, ये हुणे असी सारा कुछ वो कर रहे ने, पता कर रहे ने। हुण इन्हां दे जिहड़े पुराने पर्चे ने वो सारे सामने आए, पुराने इन्हां दा की एमओ सीगा ते नया की एमओ है वो भी असी कंपेयर करके दसांगे जी। पहले भी मुकदमे दर्ज हैगे ने वैसे? हां जी, जिवें मैंने तुहानूं कहा जो लवप्रीत है जिसकी उम्र 23 साल है उस पर 3 मुकदमे दर्ज है, ते जो गुलशन है सेकंड अक्यूज जिसकी उम्र 27 साल है उस पर 6 मुकदमे दर्ज ने। सर की ये दोवें करते सी या इन्होंने अगला भी ग्रुप बनाया?
ਹੁਣੇ ਤੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨਸੇ ਪੈਸੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਸ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 4 hours ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਪੜੇ ਗਏ? ਰੁਪੀ ਟੋਟਲ 1,60,000 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਪੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੇ ਉਹ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਤਹਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਪਰ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਗੋਂ ਸੇ 9,33,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈਂ। ਜਿਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੋਈ DSP ਬਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਕੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਤਹਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਪਰ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਮੇਂ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਗੋਂ ਸੇ 7,28,000 ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਿਯ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰੋਂ ਸੇ 2,05,000 ਰੁਪਏ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 9,33,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੇ SHO ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਬ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਯੁਵਕੋ ਸੇ ਬਰਾਮਦ ਰਕਮ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਂਗੀ ਗਈ ਤੋ ਵੇ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਰਕਮ ਕੋ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇਂ ਲੇਕਰ ਆਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। DSP ਬਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਕੋ ਲੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ ਔਰ ਹਰ ਸੰਦਿਗਧ ਪਰ ਤੀਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਰੁਪਿਓਂ ਕੋ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਕੋ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਪਿਓਂ ਕਾ ਸੋਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਰਕਮ ਕੋ ਕਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਜਠੇਰੋਂ ਕਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮੇਲਾ ਗਾਉਂ ਤਲਵਨ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਰੋਡ ਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਜਠੇਰੋਂ ਕੋ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਸੇ ਮੰਤਰੋ ਉਚਾਰਨ ਸਹਿਤ ਸਨਾਨ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਝੰਡਾ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਜਠੇਰੋਂ ਕੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮੇਲੇ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਏਵਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪਾਦਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਵਿੱਚ, ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਸੇ ਜਠੇਰੋਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦਸਯੋਂ ਨੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਾਲਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਭੀ ਸਦੱਸਯਗਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਔਰ ਰਾਜਬੀਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। Thank you.
अमृतसर के भंडारी पुल पर आम आदमी पार्टी की ओर से भूख हड़ताल की गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में ये भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा के खिलाफ जो भी कोई कुछ बोलता है तो भाजपा उसे किसी न किसी झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देती है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सहित और भी जो उनके नेता जेल में बंद हैं, उन पर जो झूठे पर्चे दर्ज किए गए हैं वे वापस लिए जाए और उन्हें रिहा किया जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अपने कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध पूरे देश दे विच जिहड़ी भुख हड़ताल ते है, पूरे देश दे विच असीं दिल्ली समेत जिथे जिथे भी साडी पार्टी 16-17 सूबिआं दे विच है, सारे थावां दे उत्ते अज असीं मोदी दी तानाशाही दे खिलाफ, साडा देश जिहड़ा जमहूरीयत पसंद देश है, उस देश दे अंदर जिद्दां मोदी दी, अमित शाह दी, बीजेपी दी तानाशाही काम कर रही है और इस वेले तानाशाही सिखरां ते है कि अपने हर विरोधी नूं जिहड़ा भी बीजेपी दे खिलाफ बोलदा उहनां नूं किसे ना किसे झूठे केस दे विच फसा के जिहड़ा उह जेल दे विच सुट दित्ता जांदा। सो असीं अज पूरे देश दे विच मंग कर रहे कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सतेंद्र जैन जी, साडे जिन्ने भी लीडरां दे उत्ते झूठे केस दर्ज किए गए वो केस जिहड़े आ वापस लै जाण ते साडे आगूआं नूं जेल दे विचों रिहा किया जाए। अज दा मतलब जिहड़ा साडा ये भुख हड़ताल है, असीं जिहड़े लोग इत्थे बैठे हां, साडे शहरी प्रधान मनीष जी, देहाती प्रधान ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੇਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ MLA-ਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣ,
आम आदमी पार्टी दबाई नहीं जा सकती, आम आदमी पार्टी खत्म नहीं की जा सकती, अरविंद केजरीवाल जी नूं जेल च बंद किया जा सकता, पर सर उन्हां दी सोच नूं जिहड़ा वो नहीं बंद किया जा सकता। जिहड़ी सोच है इस वेले पूरे हिंदुस्तान विच घर घर जिहड़ी पहुँच चुकी है। और मैं भी कहना चाहुंदा कि 24 दा जदों 4 जून दा रिजल्ट आऊगा उस समय बीजेपी नूं पता लगेगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी नाल उन्हां दा इस देश दे विचों उन्हां दे इस तानाशाही राज दा किद्दां अंत हुंदा। ये 4 जून नूं तुसीं सारे देखोगे, क्योंकि सारे देश विच बहुत रोस है कि झूठे केसां दे विच फसाया जा रहा। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होया कि किसी प्रेजेंट मुख्यमंत्री नूं इस ढंग नाल झूठे केसां दे विच फसाया गया। सो इहदा जिहड़ा जुल्म है, इहदा जिहड़ा लोक वोट दे दा ही तुहानूं अपने आप दस्सणगे 4 जून नूं जदों रिजल्ट आऊगा। जालंधर के होटल रीजेंट पार्क में शनिवार को चक दे जालंधर की 2 दिवसीय एग्जीबिशन दुबई बाजार की धमाकेदार शुरुआत हुई। एग्जीबिशन के पहले ही दिन शॉपिंग के शौकीन जालंधर वासियों ने मौके पर पहुंचकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी की। एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइजर्स ने स्टॉल्स पर देश दुनिया के जाने माने ब्रांड के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए, जिनकी खरीदारी करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। ऑर्गेनाइजर्स ने दैनिक सवेरा संवाददाता से बातचीत में बताया कि ये एग्जीबिशन समर सीजन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, बेंगलुरु और मुंबई आदि जगहों के जाने माने डिजाइनर्स ने जालंधर वासियों के लिए उनके पसंदीदा प्रोडक्ट्स की वैरायटी उपलब्ध करवाई हुई है। इस प्रोडक्ट्स में ज्वेलरी, बेकरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, गार्डन एक्सेसरीज, मेकअप, इत्र, फुटवेयर, जयपुरी होम डेकोर और अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। Hi, I'm Anjali from AK Fashioners. I'm really very happy in Dubai Bazaar. यहाँ का मेरा experience always बहुत अच्छा रहता है और this is the only exhibition in Jalandhar जहाँ पर मैं participate करती हूँ and I'm really very excited to come these all like for my formal stuff I'm here in Jalandhar and please do visit stall number 1 is mine and I having a all customized designer pieces and do visit stall number 1 AK Fashioners by Anjali. Thank you. So hi Jalandhar, this is Saisha here. Again, I'm back with the Chak de Jalandhar's most favorite edition of the town, which is Dubai Bazaar, happening today at Hotel Regent Park, and we have last day tomorrow as well. Please do come and visit with us and shop your hearts out. We have loads and loads of amazing designers waiting for you all and would love if you can pour more love for tomorrow. Thank you. Yeah, hi Jalandhar, this is Ravi here from Label Savi. Come here to exhibit a show named as Dubai Bazaar. Sasha is one of my very nice friend and she invited me to be a participant in the show named as Dubai Bazaar. The show was amazing, amazing crowd, amazing footfall, and I did a very tremendous sell over here. And tomorrow also we are here with a men's corset, women's corset, beachwear, resort wear. So there are lots of different designers and exhibitors are here. So please come and show your love to us. Thank you, Jalandhar.